तो एक्सेल के विश्लेषण टॉपिक में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का यूज होता है कि एक्सेल में कोई अदर एप्लीकेशंस को आप यूज करना चाहते हैं। जी हाँ, कोई अदर एप्लीकेशन को, जैसे कि मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जब क्लिक करे तो पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए, ठीक है। तो इस पे जो है हमने एक चार्ट ही ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए पूरा जो सिस्टम दिख रहा है पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो चार्ट हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये चार्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें डेटा ये अपना खुद का डेटा ले लिया, आप यहाँ अपना डेटा भी डाल सकते हैं, ये पावर पॉइंट का फीचर है सर, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए यहाँ पे, अब क्लिक करते हैं ये चार्ट आपको दिख रहा है, बट आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करें, एक फुल स्क्रीन पे जूम हो के आ जाएगा, समझे। दूसरा, आप चाहते कि ये तो प्रेजेंटेशन हमारा है, लेकिन आप चाहते कि मेरे एक पास बना बनाया प्रेजेंटेशन है उसको लाना चाहता हूं मैं, तो क्रिएट फाइल में जाके उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लें, तो उसकी बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपको यहां पे आ जाएगा। ऐसे आपका आके भी है, जैसे कि टेक्स्ट लेना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लाना चाहते हैं, पावर पॉइंट है, और भी जैसे अलग एप्लीकेशन, मैंने कि दूसरी कोई एप्लीकेशन की फाइल को या एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर रखना चाहता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं यहाँ पर वर्ड की तरह कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँगा, कुछ भी टाइप करूँगा, और ऊपर आप देख रहे हैं एमएस वर्ड का ही पूरा हमारे पास चीजें हैं, है ना सर। अगर हम इसमें प्रेजेंटेशन में चेंजेस चाहते तो वो हो जाएगा, उस पे राइट क्लिक करके एडिट कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, ठीक है सर, एडिट पे क्लिक करते हैं आपको वापस वही आ जाएगा जो था, और सेम ही यहाँ भी, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे आप अदर एप्लीकेशंस ला सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर में जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब लाएंगे तो एप्लीकेशन नई फाइल खुल के आ जाएगी, नई चीज़ आ जाएगी। अब क्रिएट में, क्रिएट फाइल में जाएंगे तो यहाँ ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे और कोई पर्टिकुलर फाइल को ला सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो जीके का देव का डेटा है वो यहाँ पर विजुअल हो जाए, बट मैं इसको कॉपी पेस्ट या लिंक नहीं करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिंक टू फाइल करके ओके कर दिया, तो उसका पूरा डेटा यहाँ दिख रहा है सर, समझे। उसकी पूरी की पूरी डेटा, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो या वर्ड की फाइल हो या पीडीएफ की फाइल हो, वो यहाँ आप लेके आ सकते हैं, कोई भी फाइल, समझे। जैसे कि पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ में क्या होता है, कोई कोई पैकेज पीडीएफ को रीड करता है, कोई पैकेज पीडीएफ को रीड नहीं करता है, पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत है आपको, बाद बाकी कर सकते हैं। हाँ, इसमें चीज और होता है कि आप चाहते हैं आइकन्स लेकर आना, इस तरह का आइकन है ना, एक्सेल की फाइल की आइकन या कोई भी फाइल की आइकन चाहिए, तो हम इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे लिंक टू फाइल और डिस्प्ले फाइल, तो इस तरह से आप यहाँ पे आ जाएगा, आप इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम है।